ये भगत सिंह वर्गे शर्तां रख दे कि असी देश आजाद करा के देंगे ते सानू की बनाओगे, सानू मंत्री बनाओगे, साडा कारोबार खिलाओगे, तो फिर ये देश कदे आजाद नहीं हो सकता सी मेरे सत्कारयोग भराओ। पुराने साथी ते संगी शर्तां नहीं कदे रख्या करदे, पर शर्तां दे नाल यारियां निभानी करदियां। यारियां उन्हां दियां हुंदियां जिहड़े बिना शर्तां निभाया करदे आ। कल एक आ बैठा पवन कुमार, मेरा भरा जिउंदा रहे, मैं इहदा कख नहीं कीता, ते जिन्हां दा मैं कीता उन्होंने मैनू अलविदा कहता, मैं एरी टिकट कट के उन्होंने दिती, मैं क्या एरी टिकट कट के उन्होंने दिती, मेरे को आए मैं क्या दे दियो कोई गल नहीं। अज भी मैं उन्होंने सत्कार कर दें बुजुर्ग होने के नाते, मैं किसी की गल का जवाब नहीं देना चाहता। कई लोग कहते असी 50 साल के कांग्रेसी हैं, 1997 च मलकीत सिंह मलण वेले लोगों नूं पता कि कौन कांग्रेसी सी कौन कांग्रेसी नहीं सी। लोगों नूं ये भी पता भी 2012 च राजे विड़िंग नूं किने किने वोटां पाईआं, किने नहीं पाईआं, मुखालफत कीती। ते अज भी जिहड़े लोग मौके दे पिट्ठ च छुरा मारदे आ उहनां लोगों नूं कोई माफ नहीं करदा, भुलेखा हुंदा उह वी कढ लैण। मेरे कहने का मतलब यह है, मैनू किसी का नाल गुस्सा नहीं है। हो सकता कल नू इत्थे खड़ा कोई साथी परले पासे खड़ा होवे, फिर की गल है, वो साडा साथी है, जिन्ना चिकर निभ गया उन्ना चिकर सही। पर आप दे आप नू भगत सिंह दे वारस ना दसो, लोग थोनू जानते हैं भी असलियत की है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਵੇਖਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਨਾ ਲਾਓ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਗਿੱਦੜਵਾਦੀ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਗਿੱਦੜਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੈ, मैं किसी प्रकार का किसी व्यक्ति किसी प्रकार का कदे कोई मैं मंडी दे विच किसे नाल विचार नहीं किया। मैं किसे भी गली नहीं छड़ी, इस करके भी फलानी गली दे विच अकाली दल का बंदा रहिंदा है। मैं किसे नूं पुलिस स्टेशन नहीं फड़ाया कि फलाना बंदा अकाली दल दा, इहनूं पुलिस स्टेशन फड़ा दिता जावे। मैं किसे दा कारोबार नहीं बंद कराया कि फलाना अकाली दल का बंदा इहदा कारोबार बंद करा दिता जाए। अज मैनू 10 साल हो गए मंडी दे विच, कोई एक बंदा बाह खड़ी करके कह दे कि राजे वड़िंग ने किसी का माड़ा किया होवे। ना किया ना करना, मेरा बेशक कोई माड़ा कर दे कोई फर्क नहीं, आपे सच्चे पातशाह कृपा करेगा। सो साथियो, मैनू थोड़े साथ की लोड़ है, मैनू थोड़े आशीर्वाद की लोड़ है। मैं बठिंडा जो चुनाव लड़िया, मैं उदो भी चुनाव नहीं हरना सी, कुछ विच रह गए गड़बड़ करके मेरे साथी, लेकिन कांग्रेस का सच्चा सिपाही वो है, कांग्रेस का हमदर्द वो है जिहड़ा कांग्रेस की खैर मंगे। कांग्रेस का वफादार सिपाही वो नहीं जिहड़ा कांग्रेस च रह के कांग्रेस को ढा लावे।
ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਖੜਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਲੋਟ ਖੜਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੁਕਸਰ ਖੜਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲੰਬੀ ਖੜਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਠਿੰਡੇ ਖੜਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਖੜਾ ਹੈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ लेकिन कांग्रेस पार्टी साड़ी पार्टी है सारे लोग एक एक वोट जिथे थोड़े रिश्तेदार इन्हां हलकियां च बैठे है उन्हां नूं टेलीफोन करके गल कहो कि कांग्रेस पार्टी नूं वोटां पाउणियां है कांग्रेस पार्टी नूं मजबूत करना है और फिक्र ना करो तुहाडा आशीर्वाद चाहिदा है हजे तां तुहाडी गड्डी ने मोशन हुणे फड़िया है कोरोना कहते कोरोना हो गया सी राजे वड़िंग नूं ते कईआं ने सुख सुख ली भी इहनूं कोरोना ही रहे कई कहते राजा वड़िंग तुरी फिरदी 302 है मेरा तां कोरोना उहदे एक ने नैगेटिव कढ़िया सी एक ने पॉजिटिव कढ़िया सी मैं तां घरे बैठा रहा 5-4 दिन मैं सोचा कोई होवे ना पर कोई सिमटम तां है नहीं सी मैनू तां कोरोना दा पता नहीं कदों होके हट गया होना यह भी नहीं पता लग्या होना पर कईआं दीआं आसां नूं बूर नहीं पिया सो तगड़े रहो आशीर्वाद दे के रखो मैं तां गिदड़वा दा आसान मंगदा है गिदड़वा दी सुख मंगदा है गिदड़वा दे आसे हमेशा हमेशा सोचदा रहिंदा है आशीर्वाद दिंदे रहो हजे तो मैं गिदड़वा दा कख भी नहीं किया मैनू इसे तरह समा दिओ आशीर्वाद दिओ मैं चाहना है कि पंजाब का नंबर वन शहर गिदड़वा होवे मेरे मन का सपना है और अगर परमात्मा ने कृपा की अज सीवरेज का पानी कितने नहीं खड़ा गिदड़वा च अज बुनियादी सहूलतों तो गिदड़वा वांझा नहीं है अज गिदड़वा दे विच कॉलेज भी है हस्पताल भी है पार्क भी है धर्मशाला भी है हर एक सहूलत है मैनू नहीं लगता गिदड़वा दे अज किसे चौराहे ते पानी खड़ा है सीवरेज ब्लॉक होवे पर हजे मैं संतुष्ट नहीं हाँ मैं संतुष्ट होते होवांगा जिदे गिदड़वा नूं सेंटर दी सरकार ने इनाम दिता कि ये बेस्ट सिटी ऑफ पंजाब है एरा मेरा सपना पूरा तुसी कराउणा है ते मैनू आशीर्वाद तुसी दियोगे मैं उम्मीद करदा अज तो फिर अपनी शुरुआत आपां हाथ जोड़ के लोकां तो वोटां लैणियां है नीवे होके वोटां लैणियां दब के मार के नहीं लैणियां मेरा हर व्यक्ति हाथ जोड़ के निम्रता दे नाल प्यार दे नाल लोका तो वोटा मंगे जेड़े अपने नाल नाराज ने अपने साथी है आपां उन्हां कोल जाणा है जे कोई नाराज साथी बैठा उहदा गिला शिकवा उह दूर करना है मैनू मिलायो मैनू दस्यो जे उहदा कोई काम नहीं होया तां आपां उह वी करना है आपां सब तो पैरी हथ ला के वोटा मंगनी है ना कि डरा के वोटा मंगनी है ते सब तो वड्डा फार्मूला ये है कि हाथ जोड़ के रखो सो साथियों उम्मीद करदा है कि जेडे आने वाले 30 दिन है तुसी दिन रात जिवें पहला दी तरह भुल जो कि मेरा आ काम नहीं होया ते मेरे नाल 20 तरीक तो बाद जो मर्जी कर लियो ऐडा आसान फरामोश नहीं है थोड़ा भरा थोड़े एहसान चुका के जाऊंगा जो थोड़े किते एहसान है वो उन्हां दे वफादारी दे नाल तन दे नाल आपदा फर्ज निभा के जाऊंगा पर सारे तकड़े होके आपदियां जिम्मेदारियां संभाल के ढिली जी गल ना करिया करो जदों ढिली गल करदे हो ना उदो फिर मजा नहीं आता अज पंजाब के अंदर यह स्थिति है मेरी गल लिख लो 12 तो 13 सीटा अकाली दल नू आउणियां चौथे नंबर की पार्टी अकाली दल होएगा
पिछले हरी लोग कहते सन आम आदमी पार्टी के लोग नवा मुंडा आया सी इत्थे फतन वाले तो वो कहते सी यार इस वारी तो पर अज तक वो मुंडा वापस नहीं आया। एक बार इतो वोटा लेके गया एक सी वोटर सर्वे होया सी जिले च 100 वोट कहते सी 100 सीट आएगी केजरीवाल नू लेकिन अंत दे विच की होया 18 तो 20 सीटा ते सिमट के रह गए केजरीवाल साहब की पार्टी। उन्हां कोले कोई विजन नहीं है। बादल वाले नू लोग वेख चुके है। सुखबीर बादल नू लोग नहीं चाहते कि पंजाब की अगवाई करे ते मुख्यमंत्री बने। भगवंत मान भीड़कर नू कट्ठा है कट कर सकता है चुटकले सुना सकता है हसा सकता है लेकिन पंजाब की दशा ते दिशा नहीं संभाल सकता। सरदार भगवंत सिंह मान थोनू हसा सकता है थोड़ा ढिड हसन ला दूंगा चुटकले वधिया तो वधिया सुना दूंगा पर जे तुसी आखोगे पंजाब दे आसे कोई रोड मैप तैयार करूंगा मैनू उम्मीद नहीं है। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने 2.5 महीने जो कुछ कर विखाया जो कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्गे ते मगरलियां सरकारां नहीं कर सकियां 2.5 महीने दे विच एक बेहतरीन शासन देन दी उन्होंने कोशिश की थी। मैं भी 2.5 महीने वास्ते मंत्री नहीं बनना सी अगर मैं किसी नूं मैंबर पंचायत या एमसी बनावा 2.5 महीने वास्ते तो शायद वो मना कर जाएगा। मैं इस करके मंत्री बनिया कि मैं गिदड़बाह के पंजाब के लोगों को यह दस सका कि तुहाडा भरा अगर मौका मिलिया तो बेहतरीन मंत्री होएगा बेहतरीन काम करेगा पंजाब की दशा से दिशा बदल देगा। 2.5 महीने के विच अज किसी सर्वे की रिपोर्ट पढ़ लो किसी पत्रकार को पूछ लो पार्टी के लोगों को पूछ लो खिलाफ वाले लोगों को पूछ लो वो गल कहते हैं कि राजे वड़िंग ने जो 2.5 महीने ट्रांसपोर्ट महकमे तब्दीली लाई है वो मगरले 15 साल कदे तब्दीली नहीं आई। मैनू तो यही खुशी है मेरे गिदड़बा जो एक बस नहीं चलती सी सरकारी अज 14-15 बसा चलन लगी है। डिपू बनाता थोड़े सब डिपू दौले बन लग पिया और जिडे तैयार हो जाएगा अद्धे पंजाब नू अद्धे पंजाब दे शहरां नू गिदड़बे तो बसा चलिया करनिया थोड़ी कृपा दे नाल पर आशीर्वाद बनाई रखियो प्यार दे रखियो फिर अगर इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दिती आपां लोगों नू तो फिर वड्डी रैली करांगे एक दोदे जिवें कीती सी फिर बाजार च करांगे काम। बस थोड़ा आशीर्वाद ते प्यार बना के हुण वाड़ा च वड़ जाना बाहर नहीं आना 30 दिन च ऐसी नेरी पट दिओ दुश्मन नूं इह गल समझ ना आवे विरोधी नूं कि इन्हां ने कीता की है। कईआं दे चैक चुक पाई रह गए मैं थोनू कल विखाया सी चिट्ठी लिखी है आ पत्रकारां नूं भी दस दिंदा मेरे भरावां नूं जिहड़ा विरोधी उम्मीदवार उहने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी की कापी भी थोड़ू भेज देने इलेक्शन कमीशन को आई कि राजा वड़िंग ग्रांटा दे चेक दे रहा है तेरे ते रोक लाई जावे कार्रवाई की जावे। मैं कोई नियमों की उलंघना नहीं की लेकिन जेड़े चेक पहला कटे गए है जां हैगे है उन्होंने कट्टन की सानू देन की इजाजत दी जाए। असी चोन कमीशन भी लिखे है हाँ कोर्ट तो बाद बिल्कुल किसी तरह की असी ग्रांट जा किसी तरह का कोई नियमों की उलंघना नहीं की ना करांगे लेकिन ढिड दुखदा उन्हें लोगों का भी गरीबों के घरे चार पैसे ना चले जान गरीबों को कोई सहूलत ना मिल जाए वो राजे नूं वोटां ना पा दे। सो इहो जिहा चालां रोज चलिया जा रही मेरे सत्कारियो भराओ मेरे खिलाफ चोन कमीशन नूं इह शिकायत करती सी कि राजा वड़िंग 302 है तुरे फिरदी करोना लेके तुरिया फिरदा है। फिर मैं उहदा भी जवाब दिता सो इहो जिहा चालां होर चलणगे विरोधी उहनां तों सुचेत रहना है
ते कल आ गई वीडियो जी मेरे भरा ने पाई सी मान साहब के सपुत्र ने यह वीडियो होर भी आ सकती है क्योंकि किसी नू पता नहीं अगले ने मंच की रखी बैठा अगला हुण प्रधान तो मैं एक ही बना सकता है दस का प्रधान बना नहीं सकता एमसी तो मैं एक ही बना सकता पवन जी थोड़े तो माफी मांगता है अपना अंकल सीगा यार कुलवंत कोई नहीं बुजुर्ग आदमी अपना फर्ज बनता जे कोई वड्डा आ गया तो ओरा सम्मान करूंगा चलो जी थोड़ा सारिया का धन्यवाद थोनू मुबारक सारिया नू ते पत्रकार वीरां दा धन्यवाद कि जिहड़े साडे दफ्तर दे उद्घाटन दे मौके ते पहुंचे है ते थोनू भी बेनती करांगा यार कोई गलती मलती होगी होवे तां माफ कर दिओ जो ते मेरा ध्यान रखियो मेरे कीते हुए कम्मां दे बारे जो मैं कीता उहदे बारे जायज लोकां नू सुचेत कर दे रहे हो क्योंकि सच दिखाउणा थोड़ा फर्ज बनदा है तो थोड़ा सारिआं दा धन्यवाद ते दफ्तर दीआं बहुत बहुत मुबारकां चंगा दफ्तर बनाया भाई थोनू सारे शहर वालों इस दफ्तर दीआं मुबारकां इन्हीं शब्दों के नाल हाजिरी करो पवान साहब।